दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे चिंगारी एप्लीकेशन पर हम दूसरों की वीडियोस का म्यूज़िक अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं और इसी के साथ कैसे किसी स्पेसिफिक म्यूज़िक को सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो दोनों टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो दोस्त पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे भी आप सभी को चिंगारी एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कैसे दूसरों की वीडियोस का म्यूजिक अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड किया जाता है। तो आपने सबसे पहले चिंगारी पर उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो का म्यूजिक आप अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं। तो म्यूजिक को ऐड करने के लिए आप सभी को नीचे जो एक डिस्क रोटेट कर रही नजर आ रही होगी, हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद चिंगारी कैमरा ओपन हो जाएगा और इसी के साथ आपने जिस वीडियो का म्यूजिक सेलेक्ट किया होगा वो म्यूजिक भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आप सभी ने अपने मुताबिक यहाँ पर वीडियो को बना लेना है, सेल्फी मोड से या फिर मोबाइल के बैक कैमरा से, जिस तरह भी आप अपनी वीडियोस को बनाना चाहते हैं आप वीडियो बनाकर यहाँ पर है जो आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है जो ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है अपनी वीडियो को पोस्ट है जो कर लेना है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आप सभी को नीचे राउंड कलर का एक बटन दिया गया है, इसी के साथ बैकग्राउंड जो म्यूजिक आपने किसी की वीडियो से सिलेक्ट किया होगा वो भी साथ में आपको सुनाई देगा। दोस्तों इस प्रोसेस से आप दूसरों की वीडियोस के म्यूजिक को अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैसे किसी स्पेसिफिक म्यूजिक को सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे और मेन इंटरफेस पे वापस से आ जाएंगे और यहां पर आप सभी को नीचे कैमरा का लोगो नजर आ रहा होगा, हम इसी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ऐड साउंड पे क्लिक करने के बाद अभी बहुत सारे फीचर्स यहां पे ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि आप सभी को कैटेगरी वाइज यहां पर म्यूजिक मिल जाएगा, चिंगारी राइजिंग, चिंगारी हॉट, चैलेंज, फनी, न्यू रिलीज, पैट, बहुत तरह की म्यूजिक की कैटेगरी आप सभी को यहां पर मिल जाएगी। लैंग्वेज के मुताबिक भी आप सभी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप आगे देख सकते हैं बहुत तरह की म्यूजिक हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। म्यूजिक को ऐड करने के लिए सिंपल आपने किसी भी म्यूजिक को सिलेक्ट करने के बाद उस पर एक बार टैप करना है और उसके बाद म्यूजिक का जो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप साथ ही साथ यहाँ पर म्यूजिक को एडिट कर सकते हैं। मतलब आप जितनी वीडियोस की लेंथ की वीडियो बना रहे हैं उतना म्यूजिक को यहाँ पर ट्रिम कर लीजिए। मान लीजिए आप 15 सेकंड की कोई वीडियो बना रहे हैं तो इस म्यूजिक को भी 15 सेकंड तक ट्रिम करने के बाद हम नीचे दिए गए हरे कलर के टिक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक म्यूजिक सेलेक्ट किया यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस से आप सभी किसी स्पेसिफिक म्यूजिक को अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप सभी को पता चल गया होगा कैसे दूसरों की वीडियोज के म्यूजिक को अपनी वीडियोज के बैकग्राउंड में ऐड किया जाता है और इसी के साथ कैसे स्पेसिफिक म्यूजिक को अपनी वीडियोज के बैकग्राउंड में ऐड किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे की आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।